ग्वालियर जिले के मुरार की रहने वाली शिक्षिका आशा भटनागर से हुई 51 लाख रुपए की ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते मार्च महीने में शिक्षा आशा भटनागर को डिजिटली अरेस्ट कर FD तोड़वाकर उनसे 51 लाख रुपए की ठगी हो गई। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई कर भिलाई से मुख्य आरोपी कुणाल जायसवाल को पकड़ा था। इसके बाद श्रीनगर और गुजरात से भी 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की टीम ने जब जांच की तो जांच में सामने आया कि राजस्थान के कुछ लोगों के खाते किराए पर लिए गए हैं। जब टीम इन तक पहुंची तो सामने आया कि अधिकांश खाते छात्रों के हैं, जिसका इस्तेमाल कर आरोपी ठगी की रकम निकालकर छात्रों को कमीशन देते थे। वहीं पुलिस ने इस मामले में प्रदीप, सुनील, मणिशंकर और विकास जोधपुरी को पकड़ा है। चारों आरोपियों से अभी और पूछताछ चल रही है। ब्रांच में जो है एक महिला शिक्षक आशा भटनागर के साथ जो 51 लाख का डिजिटल हाउस अरेस्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, उनको साइबर फ्रॉडिस्ट ने जो है CBI में मुंबई के नाम पर अपराध पंजीबद्ध के नाम पर उनको बोला था कि आपको हमने डिजिटल अरेस्ट कर लिया और उनको धमका कर 51 लाख रुपए उनसे वसूल कर लिए थे। उसी प्रकरण में क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूर्व में भी आरोपी पकड़े गए थे और अभी जो है 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनको गिरफ्तार किया जो जोधपुर और जैसलमेर से। चारों आरोपी बिश्नोई समाज के एक ही गांव के रिश्तेदार हैं आपस में, और जो इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये जो है जो कोचिंग स्कूल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके आसपास में मकान लेके रहते थे और वहाँ जो स्टूडेंट हैं उनको टारगेट करके उनको विश्वास में लेके कि हमारे गेमिंग में पैसे आने वाले हैं हमारे ऑनलाइन, तो उनका अकाउंट खुलवाते थे उनका और उनके अकाउंट में पैसे बुलवा के उनको जो भी कमीशन देते थे, कमीशन देकर उनसे जो है चेक के द्वारा उनसे पैसे निकलवाते थे उनके साथ में रह के। तो ये इनके द्वारा जो है स्टूडेंटों को टारगेट कर उनके खाते खुलवा कर उनके खाते में पैसे जाता था। ये पूरा 51 लाख रुपये जो है इनके माध्यम से जो है जो जिनके अकाउंट में गया उनके द्वारा बताया गया कि इन चारों लोगों ने उनको ऑपरेट करा और उनके माध्यम से निकाला गया।